राजकुमार हिरानी एक ऐसे बदनसीब डायरेक्टर बन चुके हैं जिनके हाथ तो रिस्क का घोड़ा लगा था, लेकिन उन्होंने उसे कहाँ पे इस्तेमाल किया है ये आप लोग तो देख रहे हैं। शाहरुख खान जैसे सुपरस्टार को डायरेक्ट करने का उन्हें जो सुनहरा अवसर मिला था, उस मौके पे जो उन्होंने डंकी जैसी कहानी बताई है, सच में शाहरुख के आसमान में चार चांद लग गए होंगे। आजकल के म्यूजिक वीडियो में भी इससे अच्छी गाने की कहानी देखने को मिलती है। यकीन नहीं होता तो बड़े बड़े गायकों के और संगीतकारों के म्यूजिक वीडियो उठाकर देख लीजिएगा। इससे बढ़िया और बेहतर कहानी का नज़ारा आपको उस गाने में ज़रूर देखने को मिलेगा। अभिजीत जोशी और राजकुमार हिरानी इन्होंने डंकी के नाम पे जो 2.5-3 घंटे का जो रायता फैलाया है, वो रायता समेटते हुए सच में शाहरुख खान को अपनी नानी याद आ गई होगी। अक्सर ऐसा देखने को मिला है कि जब भी कोई दो दिग्गज किसी कारणवश मिलते हैं तो जरूर नहीं कि वो आसमों को ही छू सके, बहुत से बार मुंह दिखाई भी भीड़ जमा करते हुए करनी पड़ती है। और यहाँ पे डंकी के मामले में समझने वालों को सिर्फ इशारा ही काफ़ी है। थ्री इडियट संजू और मुन्ना भाई जैसी सुपरहिट फिल्में देने वाले राजकुमार हिरानी से इस फिल्म के लिए हम कुछ ज़्यादा की ही उम्मीद लगा बैठे थे। राजकुमार हिरानी में ट्रेंडिंग टॉपिक से हटके अलग कहानियाँ अलग ही अंदाज में बताने का एक अलग ही हुनर देखने को मिलता था, लेकिन इस बार की कहानी दर्शकों को खुद से जोड़े रखने का थोड़ा भी दम नहीं दिखा पाते हैं। ये कहानी आपको कुछ कुछ जगह पे हंसाती है, इमोशनल भी करती है, लेकिन बहुत सारी जगह पे आपको पूरी तरह से बोर करती है। मतलब पठान जवान जैसी एक्शन पैक फिल्में देखने वाले आप यहाँ पे खुद को सच में ठगा हुआ महसूस करते हैं। हालांकि शाहरुख खान अपनी हर आने वाली फिल्म में कुछ न कुछ नया करने की जरूर कोशिश करते रहते हैं। जब फिल्म का टाइटल अनाउंस हो चुका था और फिल्म को चर्चा में रखने के लिए एक के बाद एक ऐसे 6 टीजर वीडियो लाए गए थे, शायद तभी से राजकुमार हिरानी और शाहरुख खान फिल्म को सुपरहिट करने के लिए जो एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे, ये अनकही बातें पूरी दुनिया से ना चाहते हुए भी छुपती नहीं है। पिछले किसी मार्केटिंग कैंपेन के वीडियो में शाहरुख खान ने डंकी का मतलब अपनों से दूर रहना है ऐसा बताया था। विदेश जाने के लिए वीजा न मिलने के कारण शाहरुख खान के दोस्तों में से कुछ लोग बॉर्डर को पार करने के लिए डंकी रूट का इस्तेमाल करते हैं। ये डंकी रूट पूरी तरह से इलीगली और 100% से मुश्किल भरे और जानलेवा होते हैं। राजकुमार हिरानी की इसके पहले की हर एक फिल्म जैसे मास्टरपीस साबित हो गई थी और शायद इसी वजह से बहुत सारे लोगों ने शो के पहले दिन ही बहुत सारी भीड़ बना ली थी। शो के पहले दिन की ऑनलाइन बुकिंग भी जबरदस्त है, लेकिन डंकी ये फिल्म देखते हुए लोग ये सोचते रहे कि अब क्लाइमैक्स आ गया, कुछ तो नया होगा, नया कुछ तो ट्विस्ट देखने को मिलेगा, अब कुछ न कुछ तो धमाकेदार देखने को ही मिलेगा। लेकिन लोग सोचते ही रहते हैं और फिल्म यू करके निकल जाते हैं। सबसे पहले तो एंटरटेन के नाम पे फिल्में बस डंकी इस नाम में ही ई देखने को मिल रहा था। कहानी के हिसाब से देखा जाए तो फिल्म में विलन ना के बराबर देखने को मिलता है। डंकी इस फिल्म की कहानी पंजाब राज्य के लालटुई शहर में रहने वाले मनु, बग्गू और बली इन तीन दोस्तों की है। ये तीनों भी दोस्त हाल फिलहाल की जिंदगी में अपनी आर्थिक परेशानियों से इस तरह से जूझ रहे हैं कि उन्हें अपनी गिरती हुई आर्थिक परिस्थिति का उत्तर इंग्लैंड के किसी न किसी क्षेत्र की नौकरी में देखने को मिल रहा था। इंग्लैंड जाने के लिए वो आए दिन किसी न किसी तरह से नए रास्ते ढूंढते रहते थे, लेकिन घर की गरीबी और कम पढ़ाई के कारण उन्हें वीजा मिलते मिलते रह जाता है। ऐसे परेशान भरी जिंदगी में उनके जीवन में शाहरुख खान की यानी कि हार्डी की एंट्री हो जाती है। ऐसे में वो भी दोस्ती की खातिर उनके सपने पूरे करने के लिए जुट जाता है। हार्डी उसके दोस्तों को इंग्लैंड पहुंचाने के लिए डंकी रूट का इस्तेमाल करता है, लेकिन जब वो इंग्लैंड पहुंचते हैं तो ये उनकी मंजिल नहीं है, ये उन्हें जल्दी ही समझ में आता है। लेकिन अब तो देर हो चुकी है, क्या यही देरी उनको अपने घर से सदा के लिए दूर कर पाएगी? फिल्म की कहानी का ज्यादातर फोकस इसी घटना के इर्द गिर्द अपनी कहानी बुनता हुआ दिखाई दे रहा है। राजकुमार हिरानी की फिल्मों का हर एक किरदार कुछ न कुछ मायनों में खास होता है, लेकिन फिल्म की कहानी से आप थोड़ा भी रूबरू नहीं हो पाते हो। साल 2023 की शानदार शुरुआत 25 जनवरी को रिलीज हो चुकी पठान इस फिल्म से हो गई थी। दीपिका के बेशरम रंग ने और शाहरुख के पाकिस्तान प्रेम ने लोगों के चेहरे के रंग उड़ा दिए थे, फिर भी सिनेमाघरों में भीड़ खचाखच देखने को मिल रही थी। इसके बाद में भीड़ का ये सिलसिला गदर 2, जवान और एनिमल जैसी फिल्मों से आगे बढ़ता ही रहा है। शायद ऐसा लग रहा था कि डंकी की सुपरहिट सक्सेस के बाद में शाहरुख का पठान जवान और डंकी की हैट्रिक लगाते हुए साल 2023 में हिस्ट्री बनाना चाहते थे, लेकिन बॉक्स ऑफिस पे डंकी ये फिल्म इस तरह से पिट गई है। आए दिन डंकी का पोस्टमार्टम होता ही रहेगा कि कहाँ पे अभिजीत जोशी और राजकुमार हिरानी कहानी को ठीक से डेवलप करने में चूक गए हैं। एक फौजी अवैध तरीके से अपने लोगों को लंदन पहुँचाए,
यहाँ पे फिर से डंकी में पठान इस फिल्म के बाद में पठान और जवान के ट्रेन को फॉलो करते हुए डंकी में भी उनके जीवन के बहुत सारे गेटअप दिखाए गए हैं। जरूरत ना होते हुए भी फिल्म में एक्शन के लिए दो फायरिंग वाले सीन डाल दिए गए हैं। डंकी में जिस तरह से शाहरुख खान ने काम किया है उसमें कहीं पे चेन्नई एक्सप्रेस की या वीर जारा की झलकियाँ देखने को मिलती है। इलीगल इमिग्रेशन वाली इस फिल्म की कहानी में सबसे ज्यादा तो निराशा शाहरुख खान के अभिनय से मिलती है। शाहरुख के साथ साथ तापसी भी अपने अभिनय से पूरी तरह से निराश करती है। बोमन ईरानी की एक्टिंग अब उतनी अच्छी नहीं लगती है। अनिल ग्रोवर और विक्रम कोचर के बहुत सारे सीन आपको यादगार अभिनय के कारण ही ध्यान में रह जाते हैं। अगर आप शाहरुख खान के डायहार्ड फैन हैं तो ही इस फिल्म के रास्ते आप जरूर जा सकते हैं। बाकी सिनेमा के नाम पे कुछ भी चलेगा, ऐसी सोच रखने वालों के लिए ये फिल्म जिंदगी भर के लिए एक सबक सी साबित होने वाली है। शाहरुख की डंकी ये मूवी आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताना। मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में और एक नई रिव्यू के साथ में और एक नई फिल्म के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।